आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। राम सेतु फिल्म का बजट कितना रखा गया है? इस फिल्म में सीता का किरदार कौन निभाने वाली है? फिल्म के मेकर्स इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कितनी उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि राम सेतु एक अपकमिंग रिलीजियस ड्रामा फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा हमें लीड रोल्स में दिखाई देंगे और अक्षय कुमार इस फिल्म के द्वारा क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ये भी हमने आपको बताया था। वैसे तो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अभिषेक शर्मा के लिए ये फिल्म बहुत ही खास है, पर इस फिल्म के लिए कितना बजट रखा गया है और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रही है ये फिल्म, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ इस फिल्म में सीता का किरदार कौन निभाएंगी वो भी आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। राम सेतु फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म का बजट 85 करोड़ तक रखा गया है और फिल्म के मेकर्स ने कहा भी है कि फिल्म काफी हटके होने वाली है और इसीलिए वो चाहेंगे कि हर कोई इस फिल्म को बड़े पर्दे पर ही जाकर देखे और इसकी कहानी का लुत्फ उठाए। जहां राम सेतु का बजट 85 करोड़ रखा गया है, वहीं फिल्म की एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 से 25 करोड़ की जा रही है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज करने की भी बात चल रही है और फिल्म के मेकर्स का कहना है कि अगर ये फिल्म पॉजिटिव रिस्पांस पाती है तो इसे बिल्कुल वर्ल्ड वाइड और काफी सारे देशों में भी रिलीज किया जाएगा। वैसे तो हमने आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट और किरदार के बारे में पहले ही बताया है और आज एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। जैकलिन फर्नांडिस इस फिल्म के एक टाइम फ्रेम में सीता माता का किरदार निभाएंगी। वैसे तो इस फिल्म में दो टाइम फ्रेम चलने वाले हैं, जहां एक में जैकलिन फर्नांडिस होंगी बिल्कुल मॉडर्न रूप में और दूसरे में वो दिखाई देंगी माता सीता के रोल में। अब जैकलिन फर्नांडिस इन दोनों किरदारों को किस तरीके से निभाती है ये देखना तो काफी एक्साइटिंग होगा। इस फिल्म के बारे में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा सभी इतने एक्साइटेड हैं कि इनकी एक्साइटमेंट को देखकर तो हमें भी ये जानने की दिलचस्पी होने लगी है कि ऐसा क्या खास बात है इस फिल्म में कि डायरेक्टर और एक्टर सभी इसको इतना स्पेशल मान रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मधुरिमा ने।